नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। बिहार के शिवहर जिला के रशीदपुर रोड की हालत इतनी खराब है कि लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। वहीं यहां पर इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारियों का ध्यान इस ओर नहीं है। बिहार के शिवहर जिला के रशीदपुर रोड NH 104 जो सीतामढ़ी जिले से जाकर मिलती है, जिसकी हालत इतनी खराब है कि जो भी यहाँ से गुजरते हैं उनको हमेशा डर लगा रहता है कि हम कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, क्योंकि यहाँ के एक डायवर्शन जो कहीं कहीं तीन तो कहीं कहीं चार फीट गड्ढा है, जो तकरीबन 10 सालों से इसकी यही स्थिति है। वहाँ के निवासी अनिल कुमार और सुंदर पासवान ने बताया कि यहाँ हर साल यही स्थिति रहती है, पर यहाँ के अधिकारियों और ठेकेदारों को इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से गुजरने में हम लोगों को काफी परेशानी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। देखिए, इस वक्त हम शिवहर जिला के NH 104 के डायवर्सन पर मौजूद हूँ। देख रहे हैं कि बगल से NH 104 गुजरी हुई है, जहाँ पे डायवर्सन है और ये काफी तरह से डायवर्सन जो है ना क्षतिग्रस्त हो गई है, ताकि यहाँ पे आने जाने में लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है और पानी के भी धार उसी प्रकार चल रही है। और जो डायवर्सन बीच में गड्ढे हो गए हैं, ना यहाँ कोई देखभाल करने वाले हैं, जो कि यह डायवर्सन के माध्यम से शिवहर से सीतामढ़ी की तरफ जाने वाली है पथ है। देखिए, इनको क्या दिक्कत होने, मतलब बताया जा रहे हैं, सकते हैं पूछताछ करते हैं क्या दिक्कत हो रही है इनको आने वाले में। भैया आप लोग अभी परेशानी होती है ना, मतलब यहाँ पर बराबर ऐसे ही पानी जमावट होते रहता है, बराबर कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्या आपकी क्या कहने का मतलब है इससे? हमारे कहने का मतलब यह है कि हर साल बाढ़ आती है शिवहर जिला में। बिहार का छोटा सा जिला शिवहर है, यहाँ पे सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है जिससे बाढ़ से निपटा जाए। और देख लिया जाए, अभी जो रशीदपुर वार्ड नंबर 11 का जो डायवर्सन देख रहे हैं NH 104 के बगल में, और देख लिया जाए कितना पानी से खचाखच भरा हुआ है, और देख लिया जाए खेत खलिहान में पानी से भरा हुआ है। सरकार को तो मुआवजा देना चाहिए इस पर। हम बिहार के शिवहर जिले के जगदीश नंदन सिंह पथ जो गर्ल हाई स्कूल की तरफ जाती है, इस रोड में खड़े हैं। यहाँ काफ़ी जल जमाव दिख रही है और आप देख सकते हैं कि आने जाने वालों को कितनी परेशानी हो रही है। काफ़ी पानी है, मतलब यह हमेशा लगी हुई रहती है, गर्मी के दिन हो या बरसात का दिन हो। यहाँ पानी निकासी की कोई सुविधा नहीं है। अभी तक बहुत सारे अधिकारी आए और गए, लेकिन अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है, न ही पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की गई है।